हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे। लास्ट क्लास तक मैं आपको पढ़ा रहा था ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अष्टफलकीय समकोण यौगिकों के लिए हमें क्या करना था? ज्यामिति समवायवता को प्रदर्शित करना था। ठीक है, अभी यहां पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मैंने आपको बता दिया था MA6 टाइप के लिए और MA5 टाइप के लिए, MA5B टाइप के लिए मैंने आपको बता दिया था। इसके साथ साथ मैंने MA4B2 टाइप्स के लिए भी बता दिया था। ठीक है, अगर हम MA4BC टाइप्स के कॉम्प्लेक्सेस ले ले तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्जिम शो करेंगे या नहीं करेंगे? तो अभी देखो, अगर इसको मैं B2 मानू, या देखो यहाँ पे जब MA4 था उसके साथ B2 था तब भी वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्जिम शो कर रहा था। अब B2 की जगह BC आ गया है तो ये भी क्या करेगा? आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्जिम शो करेगा, ये तो बात फिक्स है। अब कैसे करेगा, देखो आप खुद देख लो। सेंटर मेटल एटम यहां रख लो और चार जो सेम लिगेंड हैं जिनको मैंने A से रिप्रेजेंट किया है उनको इस प्रकार से हम रख सकते हैं। सो एक साइड आपका B आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका C। इस समय B और C जो है वो एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। इस समय 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ठीक है, क्या मैं इस सी को यहां लेकर के इस ए को अगर यहां रख दूं तो अरेंजमेंट में कुछ डिफरेंस आया? तो आप कहोगे सर बिल्कुल डिफरेंस आया। कैसे आया? क्योंकि जब मैं सी को यहां लाऊंगा तो बी और सी के बीच जो बाउंड एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का बन जाएगा। समझ में आ रही बात? तो हम कह सकते हैं इसके भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे इस प्रकार से। है कि नहीं? यहां पे प्लस माइनस एन, प्लस माइनस एन। ठीक है, तो देखो ये दोनों के दोनों जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज तो सेम है दोनों के, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है? अरेंजमेंट डिफरेंट है। यहां पर 90 डिग्री का एंगल है इन दोनों के बीच और यहां पर कितने डिग्री का एंगल है? 180 डिग्री का एंगल है। क्या मैं तीसरा अरेंजमेंट बना सकता हूं इससे? कोई तीसरा रख सकते हो आप लोग? तो आप कहीं पर भी रखोगे, कोई सा भी अरेंजमेंट आप इसके अलावा लाओगे तो वो अरेंजमेंट इन दोनों को मैच करेगा, चाहे आप कुछ भी करो। सपोज करो आप सी को यहां रख दो, ए को यहां रख दो, तो अब आप खुद देख रहे हो बी और सी, अगर ये सी यहां जाएगा तो बी और सी एक दूसरे से 90 डिग्री पर आ जाएंगे एज लाइक दिस। समझ में आ रही बात? तो इसलिए मैंने आपको 90 डिग्री और 180 डिग्री एंगल से समझाया था। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा वे इजी हो जाता है समझने का। अब अगर मैं सी को यहां रखता हूं तो बच्चे रोटेट, देखो या तो आप रोटेट करके देख लो, तो अब रोटेट करने में तो टाइम लग जाता है, तो इसलिए आप बॉन्ड एंगल से पता कर सकते हो। जैसे अगर मैं सी को यहां रखूं तो सी को यहां रख करके मैं इसको दो बार रोटेट करूंगा ना तो यही वाली स्ट्रक्चर आ जाएगी। लेकिन अब रोटेशन के टाइम पर क्या होता है कि टाइम टेकिंग प्रोसेस है, उससे अच्छा है तो आप लोग ये देख लो कि आपका एंगल कितने का बन रहा है। अगर आपका एंगल 90 डिग्री का बन गया बी और सी के बीच, तो समझ लो वो इसके जैसा ही स्ट्रक्चर है। समझ में आ रही बात? दैट्स व्हाई आपको बॉन्ड एंगल के बेस पे ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देखने हैं। ठीक है, तो MA4BC टाइप के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो भी आपके क्या करते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करते हैं। तो इसका मैं एग्जांपल ले सकता हूं, आप ले सकते हो आराम से। मेटल में आप कोई सा भी ले लो, जैसे कि कोबाल्ट ले लो और एक ले लो आप सपोज करो Cl, एक ले लो आप H2O, ठीक है, और चार ले लो NH3, और स्फीयर के बाहर आ जाएगा आपका +2 चार्ज। ठीक है, ये एग्जाम्पल है इसका। तो एग्जाम्पल है तो H2O और Cl, यानी कि B की जगह आप Cl रख दो, C की जगह आप H2 रख दो। B की जगह Cl रखा हुआ है, C की जगह क्या रखा हुआ है? H2 रखा है, और A चार A है, चार A की जगह क्या रख दो? चार NH3 रख दो। तो एज लाइक जैसा ये स्ट्रक्चर है वैसे का वैसे इसका स्ट्रक्चर भी बन जाएगा। ठीक है, आप बना करके देख लेना। आगे बढ़ते हैं। MA4BC टाइप के बाद क्या बाइडेंटेंट लिगेंड की बाद में बात करेंगे। MA3B3 टाइप पे पहले फोकस करते हैं। क्या MA3B3 टाइप के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकते हैं? तो बिल्कुल, दो टाइप के ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इनसे बनते हैं। दो टाइप के ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाते हैं, एक बनाते हैं आपका फेस और एक बनाते हैं मर। ठीक है,
मर पूरा कहें तो मेरिडियोनल बनता है, और फेस को पूरा नाम कहें तो फेशियल कहते हैं इसको। एक को कहते हैं फलकीय और एक को कहते हैं रेखांशिक। ठीक है, हिंदी में इसको रेखांशिक कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, फलकीय कहते हैं। तो जो एम ए थ्री बी थ्री टाइप के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो दो टाइप के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाते हैं, एक फलकीय टाइप का बनता है और एक रेखांशिक टाइप का बनता है। यहां पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ए थ्री के बीच तीनों के तीनों जो ए है उनके बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होता है। इसी प्रकार तीनों के तीनों बी थ्री के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं जो तीन सेम प्रकार के लिगेंड हैं उन तीनों लिगेंड के बीच एंगल अगर आपका 90 डिग्री का बन रहा है तो वो फेशियल टाइप का आइसोमर्स हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं फलकीय प्रकार का आइसोमर। क्योंकि ये क्या करते हैं, ट्राइंगल में एक फेस, ट्राइंगल फेस का फॉर्मेशन करते हैं एक कॉर्नर पर। ठीक है, इसीलिए इसको हमने फेस कहा या फेशियल कहा है। मैंने क्या कहा, एक कॉर्नर पर ये एक फेस का फॉर्मेशन करते हैं, दैट्स व्हाई हमने इसको फेशियल या फेस आइसोमर कहा है। ठीक है, अब रेखांशिक में होता क्या, रेखांशिक में कुछ इस प्रकार से होता है कि ए ए के बीच, दो ए ए टाइप के बीच अगर हम कहें कि दो एंगल तो बनते हैं ए ए के बीच, दो एंगल तो 90 डिग्री के बनेंगे और एक एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। यहां पर एक बात ध्यान रखनी, यहां हम कह सकते हैं कि तीन एंगल जो बनेंगे, टोटल तीन एंगल जो बनेंगे वो तीनों के तीनों सेम लिगेंड के बीच 90 डिग्री के तीन एंगल बनते हैं। यहां पर सेम लिगेंड के बीच दो एंगल क्या बनते हैं, 90 डिग्री के बनते हैं और एक एंगल जो बनता है वो कैसा बनता है, रेखीय टाइप का बनता है। एज लाइक हम ऐसा फील करवा सकते हैं कि जो मेरिडोनल स्ट्रक्चर होती है उसमें ये क्या कर रहा है, कॉम्प्लेक्स को बाइसेक्ट करके जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनती है। तो पहले मैं स्ट्रक्चर बना के देखता हूं आप लोगों को पहचानना कैसे। देखो, पहचानना बहुत जरूरी है। अगर तीनों के तीनों बॉन्ड एंगल सेम लिगेंड के बीच 90 डिग्री के हैं तो वो आपका फलकीय होगा, और अगर दो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और एक 180 डिग्री का एंगल बन रहा है तो वो रेखांशिक होगा। मैंने कहा ना, आप ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में एंगल से ही पहचाना करो। ठीक है, एंगल से पहचान जल्दी हो जाती है कंपेयर टू स्ट्रक्चर को रोटेट करो, लिगेंड को इधर रखो उधर रखो, वैसे में तो क्या होता है कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है और कभी कभी क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप तो बस सीधा फोकस करो कि तीन 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं सेम लिगेंड के बीच, फेशियल। दो 90 का बन रहा है, एक 180 का बन रहा है, क्या है, मेरिडोनल। अब मैं स्ट्रक्चर बना के देखता हूं एम ए थ्री बी थ्री टाइप का। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना, तीन 90 फलकीय, दो 90 एक 180 रेखांशिक। ठीक है, चलो मैं स्ट्रक्चर बना के बता देता हूं आपको, फिर आपका क्लियरेंस हो जाएगा, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, डाउट क्लियर हो जाएगा आपको। सेंटर पर आप लोग एम रखोगे, एक ए यहां बनेगा, एक ए यहां और एक ए यहां। देखो, अगर आपको ध्यान हो तो ये मेटल यहां पर है, तो एक ए यहां आ रहा है, दूसरा ए यहां आ रहा है और तीसरा ए ऊपर है। तो ऊपर वाला इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये दोनों स्वयं भी 90 डिग्री के एंगल पर है और ये भी 90 डिग्री के एंगल पर है कि नहीं है। तो मैं ऐसा बना सकता हूं इसको, देखो ये कुछ इस प्रकार से, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है और इनके बीच का भी 90 डिग्री का एंगल है, इनके बीच का भी 90 डिग्री का एंगल है और ये बना रहा है आपका ये पूरा का पूरा फेस। ये मान के चलो कि ये ए है एक, ये ए से ये दूसरा ए जुड़ा और ये ए से ये तीसरा ए जुड़ा, तो इस प्रकार से एक ट्रायंगल फेस बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है, त्रिकोणीय फेस बन रहा है ना। तो इसी को हमने क्या कहा है, फेशियल आइसोमर्स कहा है। इसी प्रकार बी को ऐड करो यहां, तो बी यहां पर आएगा, दूसरा बी यहां पर आएगा और तीसरा बी यहां पर आएगा। ठीक है, अभी देखो ये वाला बी याद होगा आपको, ये L6 था, लिगेंड L6 था, ये L1 था और ये L2 था। तो L6 L1 L2, L6 L1 और L6 L2 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, आपको ध्यान होगा। मैंने कहा ना, देखो एक लिगेंड ये बी है, एक दूसरा वाला लिगेंड बी है और ये तीसरा वाला लिगेंड बी यहां है, तो यहां से ये वाला 90 डिग्री का एंगल है
और ये वाला भी 90 डिग्री का एंगल है, तो ये दोनों भी आपके 90 90 डिग्री के एंगल पर मौजूद हैं। तो कॉर्नर पर इसका भी एक फेस बन रहा है ट्राइंगल फेस, और कॉर्नर पर इसका भी एक ट्राइंगल फेस बन रहा है। दैट्स व्हाई इस वाले स्ट्रक्चर को हमने क्या कहा है, फेसियल स्ट्रक्चर कहा। अगर आपको देखने में लग रहा होगा, आपको पता है ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का है, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का है, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का है, यानी कि तीनों AA के बीच के तीन जो एंगल बन रहे हैं वो 90 डिग्री के हैं। और यहां पे तीनों एंगल कितने डिग्री के बन रहे हैं, 90 डिग्री के बन रहे हैं। मैंने आपको कहा था अगर 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं सेम लिगेंड, तो आपको पता चल जाएगा ये आपका फेशियल स्ट्रक्चर है, फेशियल आइसोमर है, ठीक है। लो जी, अब मेरिडोनल में मैंने क्या कहा था, मेरिडोनल में मैंने कहा था सेम लिगेंड में एक जो बॉन्ड एंगल होगा वो तो 180 का होगा और दो बॉन्ड एंगल होंगे वो 90 के होंगे। मतलब कुछ नहीं किया मैंने, इस ए को उठा करके यहां रख दिया और इस बी को उठा करके यहां रख दिया, बस इतना चेंज किया, ए को उठा करके यहां रख दिया है और बी को उठा करके यहां रख दिया। या ये मान के चलो इस ए को उठा करके यहां रख दिया और इस बी को उठा करके यहां रख दिया, कोई सा भी एक चेंज कर दो आप, ठीक है। 90 डिग्री से इस बी को उठा के यहां रख दिया और इस ए को उठा करके यहां रख दिया, तो उठा के रख दो, एक्सचेंज कर दो इसको। जैसे आप एक्सचेंज करोगे तो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से मिलेगी, सेंटर पर मेटल एटम है। अच्छा, एन प्लस माइनस जरूर लिखना है, ठीक है, मैं कभी भूल भी जाऊं तो मैंने आपको कहा है आपको ये बात जरूर लिखनी है प्लस माइनस वाली। मैंने क्या कहा है, बस अरेंजमेंट में चेंजिंग करना है। अच्छा, अगर मैं इस ए को उठा के यहां रख दू तो कोई चेंजिंग होने वाला है, या इस ए को यहां उठा के रख दू, एक ही तो बात है भाई। ये दोनों भी 90 डिग्री पर है एक दूसरे से, ये दोनों भी 90 डिग्री पर है एक दूसरे से, समझ में आ रही बात। और ये तीनों भी 90 डिग्री पर है, तो आप इन तीनों में से कोई भी बी उठा के यहां रख दो और इन तीनों में से कोई भी उठाकर यहां रख दो, मतलब कोई से भी ए और कोई से भी बी आप लोग एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हो, कोई से भी, इन दोनों को मत कर देना क्योंकि ये तो ऑलरेडी एक दूसरे से क्या है 180 पर है, तो इसको इससे और इसको इससे चेंज करोगे तो कोई चेंजिंग नहीं आने वाला क्योंकि ये फिर भी 180 पर रहेंगे। इन दोनों में से इन तीनों को एक्सचेंज कर सकते हो और इन दोनों में से इन दोनों में से इन तीनों को आप एक्सचेंज कर सकते हो, ठीक है। इन दोनों को एक दूसरे से एक्सचेंज नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, अगर आप इसको ऊपर ले जाओगे इसको नीचे ले जाओगे तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, अब ऊपर की ओर फेस बन जाएगा और नीचे की ओर फेस बन जाएगा ए का, बस इतना चेंज होगा। तो अब मैंने इसको उठा के यहां रख दिया, सपोज करो ये देखो ए ऊपर आ जाएगा और ये ए नीचे आ जाएगा, तो ये तो बन गया आपका कितने डिग्री का एंगल बन गया बेटा, 180 डिग्री का एंगल बन गया ए ए के बीच। अब जैसे ये बी यहां आएगा, ये बी जैसे यहां आएगा तो एक बी इसके सामने भी मौजूद है, आपको दिख रहा होगा, तो ये रहा 180 डिग्री का, तो एक 180 डिग्री का एंगल किसके बीच बना है, ए ए के बीच, और एक 180 डिग्री किसके बीच बना है, बी बी के बीच। तो मैंने ये नहीं कहा था, मैंने कहा था सेम लिगेंड के बीच एक ही 180 बनता है, तो या तो बी बी के बीच एक ही 180 बनेगा या तो ए ए के बीच एक ही 180 बनेगा, तो एक तो बन चुका है। अब बाकी पोजिशन तो चेंज करने की जरूरत नहीं, ये भी अपनी पोजिशन पे ही रहेगा। अब देखो दो 90 है कि नहीं है, देखो ये दोनों 90 पर है और ये दोनों 90 पर है और ये दोनों 180 पर है, तो दो 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं यहां पे और एक आपका कौन सा है 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब आप ए यहां लगा दो, जैसे आप ए यहां लगाओगे तो ये देखो ये दोनों तो 180 है लेकिन ये वाला ए इसके साथ 90 है और ये वाला ए इसके साथ 90 है, यानी कि यहां दो 90 है और एक क्या है 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। ऐसा जो स्ट्रक्चर बनता है उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, मेरिडोनल कहते हैं या मर कहते हैं या रेखांशिक कहते हैं। तो ये बन गया आपका रेखांशिक या मर या मेरिडोनल, ये फेसियल या फलकीय या फेस आइसोमर, ठीक है, ये आपका क्लियर हुआ, टॉपिक क्लियर हुआ। MA3B3 टाइप के अगर आपसे पूछा जाए कि एग्जाम्पल है तो बिल्कुल एग्जाम्पल है बेटा, इसका इसका एग्जाम्पल है CO Cl3 NH3 का होल थ्राइस, इट इज अ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये इसका एग्जाम्पल है। तो आप क्या कर सकते हो, Cl3 को मान लो ये A3 है, ठीक है, और NH3 को मान लो ये B3 है, और कोबाल्ट को मान लो ये सेंटर मेटल एटम है, और N जो है वो N इज इक्वल टू यहां पर क्या है, जीरो है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स या स्फीयर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो
तो अगर मैं कहूं क्या आप इस स्ट्रक्चर को ऐसे बना सकते हो, तो बिल्कुल बना सकते हो। B को मैंने क्या माना है, NH3 माना है, तो आप B की जगह पर जहां पर BB है वहां पर क्या लिख सकते हो, NH3 NH3 लिख सकते हो। यानी कि मैं यहां पर लिख दूं एक NH3, यहां पर लिख सकता हूं दूसरा NH3, और यहां पर लिख सकता हूं तीसरा NH3। A को मैंने क्या कहा है Cl, तो आप लिख सकते हो यहां एक Cl, यहां दूसरा Cl और यहां तीसरा Cl। B को क्या कहा है NH3, तो ये आ जाएगा बेटा आपका NH3, ये आ जाएगा यहां पे NH3, ये आ जाएगा NH3। और A को क्या कहा है Cl, तो Cl, Cl और Cl। ठीक है, अब कभी कभार क्वेश्चन इसमें से भी बन जाता है कि Ma3B3 प्रकार के अष्टफलकीय संकुल यौगिक के द्वारा बनाए जाने वाली दो ज्यामिति समावयवी के नाम लिखिए और उनका स्ट्रक्चर फॉर्म कीजिए, तो आपको स्ट्रक्चर ऐसे बनाना है। ठीक है, इसको मिटा दूं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म आपको बता रहा था, और अब मैं आपको बताने वाला हूं बाइडेंटेंट लिगेंड अगर आ जाए तो क्या बाइडेंटेंट लिगेंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाएंगे, ये हमें देखना है। तो बिल्कुल बना सकते हैं। अगर हम यूं कहें कि यहां आ जाए एम ए, ए ए का होल ट्वाइस, यानी कि दो तो आप बाइडेंटेंट लिगेंड ले लो और दो आप क्या ले लो मोनोडेंटेन लिगेंड ले लो, तो ये आपके क्या कर सकते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करवा सकते हैं। ये आपके बुक में एग्जांपल भी है, तो मैंने आपको कहा मैंने आरबीएससी के अकॉर्डिंग ही जनरली पढ़ा रहा हूं। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, ऐसा तो नहीं है कि जो बुक में लिखा है हम डिटो वही पढ़ाएं, तो फिर तो पढ़ाने का फायदा क्या, थोड़ा कॉन्सेप्ट में थोड़ा बहुत चेंजिंग आ जाता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू आरबीएससी सिलेबस चलना होता है, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में वही लिखना है जो आपकी बुक में लिखा हुआ। मैं आपको पहले कह रहा हूं, ऑनेस्टली मैंने कहा आपको, यहां पर ये नहीं दिखाना होता है कि हमें कितना आता है, पर वो नहीं दिखाना आपको आपको कितना आता है, यहाँ पे वो दिखाना है आपको कितना दिया गया है सिलेबस में, आपको कितना आता है। वो तो आप लोग जब इंटरव्यू में बैठोगे या नीट की तैयारी करोगे, आईआईटी की तैयारी करोगे, वहां पे आपको परफॉर्मेंस का पूरा मौका मिलेगा, वहां पे आप जितना चाहो, तो यहाँ पे वो एक्स्ट्रा कंटेंट लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर तो एक एक नंबर के क्वेश्चन ही जनरली बनते हैं, 56 क्वेश्चन 56 नंबर में, हालांकि 30 क्वेश्चन आते हैं, बट एक 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 नंबर में उसको सेपरेट किया होता है। आप एक नंबर के लिए इतना सारा कुछ एग्जाम्पल एक्सप्लेन करने लग जाओगे तो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, 3 घंटे होते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर वो चीजें नहीं दिखानी आपको कि आपको कितना आता है, यहाँ पे वो चीज दिखानी है कितना पूछा गया है। तो क्वेश्चन पेपर में वही पूछा जाता है जो बुक में है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पूछा जाता है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। Ma2B2 type, ये बाइडेंटेंट लिगेंड है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये आपका बाइडेंटेंट लिगेंड है और ये आपका क्या है मोनोडेंटेंट लिगेंड है। ठीक है, तो दो तो मैंने यहाँ पे बाइडेंटेंट लिगेंड लिए हैं और दो मैंने क्या लिए हैं मोनोडेंटेंट लिगेंड लिए हैं। अभी क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। आप ऐसा करो, देखो मैंने आपको कहा था जो बाइडेंटेंट लिगेंड होता है वो 180 डिग्री पर नहीं रह सकते हैं एक दूसरे से। क्यों नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वहां पर स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है और स्टेबिलिटी घट जाती है या अनस्टेबिलिटी बढ़ जाती है, मैंने ये आपको कहा था। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये AA टाइप के लिगेंड है अगर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से रहेंगे। ठीक है, अभी देखो ये यहां पर आ जाएगा, ये ए यहां पर आ जाएगा, ये वाला ए यहां पर आ जाएगा। ठीक है, ये माना कि मैंने आपके दो बाइडेंटेंट लिगेंड लिए और ये आपके जो दो मोनोडेंटेंट लिगेंड थे बी बी, उनको मैंने यहां पर लिख दिया। तो अब आप क्या करोगे, रेफरेंस किसको मानोगे, रेफरेंस मैंने आपको पहले कहा जो ज्यादा होता है उसको रेफरेंस नहीं मानते, कम वाले को रेफरेंस मानते हैं। आप इसको रेफरेंस मान के चलो, बी बी के बीच कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और ए ए के बीच भी कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, इन दोनों के भी 90 का है, मतलब इन दोनों के बीच 90 डिग्री का, हालांकि ये तो 180 डिग्री पर है, वो तो रहेंगे, मैंने आपको पहले भी कहा था।
जिन लिगेंड्स के नंबर बहुत ज्यादा होंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, 90 एज वेल एज 180 डिग्री भी क्या करेंगे, शो करेंगे एंगल एक दूसरे के बीच। लेकिन जो जिनकी संख्या कम होती है, जो जैसे कि यहाँ पर दो ही नंबर में लिखे गए, तो ये यहाँ पर 90 डिग्री एंगल शो कर रहे हैं, यानी कि बी बी के बीच 90 डिग्री का एंगल है। तो हम कहेंगे ये कौन सी फॉर्म हो गई, आपकी सिस फॉर्म हो गई है। क्या इसका हम एक और फॉर्म बना सकते हैं, तो आपको अच्छे से पता है इसका हम एक और फॉर्म बना सकते हैं। हम क्या करेंगे कि ये वाला जो ए ए कॉम्प्लेक्स है, ये वाला जो बाइडेंटेट लिगेंड है, इसको यहां यहां रोटेट कर देंगे, यानी कि इसको फ्लिक कर देंगे ऊपर, और इस बी वाले को वहां फ्लिक कर देंगे, यानी कि ये ए वाला इधर आ जाएगा, ये बी वाला इधर आ जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये रहेगा आपका मेटल सेंटर पर, यहां पर आ जाएगा आपका एक बी, और यहां पर आ जाएगा आपका दूसरा बी, ठीक है। यहां आ जाएगा बाइडेंटेट लिगेंड ए, यहां पर आ जाएगा ए, फिर यहां आ जाएगा ए, और यहां आ जाएगा आपका ए। अब आपको देखने से खुद ही लग रहा होगा कि जो दोनों के दोनों बाइडेंटेट लिगेंड है वो भी एक दूसरे से 180 डिग्री पर है कि नहीं है, और जो मोनोडेंटेट लिगेंड है वो भी एक दूसरे से 180 डिग्री पर है। तो हम कह सकते हैं ये कौन सी फॉर्म बन गई आपकी, ये वाली बन गई आपकी ट्रांसफॉर्म, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पहले कहा था 180 डिग्री का एंगल अगर सेम लिगेंड के बीच बनता है तो ट्रांस है, और 90 डिग्री एंगल अगर बनता है सेम लिगेंड के बीच तो वो सिस फॉर्म है। तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है आपकी बुक में भी दिया गया है, सिस एंड ट्रांसफॉर्म में ये क्या होते हैं, पाए जाते हैं। इस ज्योमेट्रिकल, इस कॉम्प्लेक्स के दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि क्या इसका तीसरा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकता है, तो आप ट्राई कर लो भले। अब आप क्या करो, इस ए को यहां से यहां फ्लिक कर दो और इस बी को ऊपर लेके जाओ। तो जैसे आप इस ए को नीचे लाओगे तो यहाँ ए के बीच 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, और बी ऊपर जाएगा तो बी बी के बीच 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो ये वाला स्ट्रक्चर और वो वाला स्ट्रक्चर सेम हो जाएगा। अगर आप ये सोचो कि सर मैं इस ए को फ्लिक करके यहां ले आऊं और इस बी को यहां ले जाऊं, तो भी क्या चेंजिंग आने वाला है, बी यहां आ जाएगा, बी बी 90 डिग्री पे आ जाएगा, तो ये वाला स्ट्रक्चर वो वाला स्ट्रक्चर सेम हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस वाले जो कॉम्प्लेक्स है, ये वाला, इस टाइप के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जितने भी होंगे, वो सारे के सारे क्या करते हैं, आपके दो ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाते हैं। क्या हम इसका एग्जांपल बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। ये एक ऐसा बाइडेंटेड लिगेंड है जो आपका सिमेट्रिकल होता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं सिमेट्रिकल क्या होते हैं, ठीक है। सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, जैसे हम इन, यहां इसको इन लिख सकते हैं, और बी टू को कुछ भी लिख दो, एज लाइक मैंने इसको सीएल टू मान लिया, ठीक है। तो ये बी टू सीएल टू है, और ये बाइडेंटेड लिगेंड माना कि आपका इन का होल ट्वाइस है, ठीक है। और इस पर आ जाएगा आपका चार्ज, कितना आ जाएगा, प्लस वन चार्ज आ जाएगा, माइनस टू इज इक्वल टू, बिल्कुल प्लस वन चार्ज आ जाएगा। अच्छा, इसको हम बनाए कैसे, जब भी आप इन को लिखोगे यहां पर, तो इन ऐसे लिखने के लिए तो ऐसे लिखते हैं हम, NH2 इथाइलिन डायमीन है ना ये, और ये आ जाएगा आपका CH2। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, आप इतना बड़ा लिखते जाओगे तो उसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस लगता है, तो आप हमेशा जब भी इन को लिखोगे तो आप NN यूं कर देना, सो ठीक है, ऐसे आप लिख देना यूं, किलेट फॉर्मेशन हो रहा है। चाहो तो सेंटर में आप इन लिख देना, ऐसा भी लिख सकते हैं, NN लिख करके, NN लिख करके एक रिंग बना देना, चिलेट, चिलेट या किलेट जो भी आप कहना चाहो, और उसके बाद सेंटर में चाहो तो आप इन लिख देना, जो ये रिप्रेजेंट करेगा कि NN ये कौन सा वाला है, इन वाला NN है, ठीक है। ऐसे कर सकते हो, ये बाइडेंटेड लिगेंड है, इन है, NN, ऐसे फॉर्मेशन कर सकते हो। इतना बड़ा लिखने में टाइम लग जाता है, कैसे, जैसे मैं यहां बना के दिखाता हूं आपको, ठीक है। सपोज करो इस कॉम्प्लेक्स में आपको बनाना है, इसका आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाना है, तो अगर आप लोग ये पूरा का पूरा लिखोगे तो इसमें टाइम लगेगा। तो आप क्या किया करो, ये लिखा आपने कोबाल्ट यहां पर सेंटर पर, यहां लिख दिया एक एन, और यहां लिख दिया आपने दूसरा एन, और इसको मिला करके आपने लिख दिया इन, फिर यहां लिख दिया आपने एन, और यहां लिख दिया आपने एन, और इन दोनों को मिला करके लिख दिया आपने इन, यहां आ जाएगा आपका सीएल, यहां आ जाएगा आपका सीएल, सीएल सीएल के बीच कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, चार्ज लग जाएगा कॉम्प्लेक्स पर प्लस वन चार्ज। कौन सा है ये फॉर्म, ये सिस आइसोमर है, ठीक है। इसका ट्रांस कैसे बनेगा, आपको मैंने अभी अभी कहा था, इस सीएल को यहां और इस एन को यहां फ्लिक कर दो, रोटेट कर दो, रोटेट करते ही आपको एक और स्ट्रक्चर मिलेगी, कोबाल सेंटर पर रहेगा, यहां आ जाएगा आपका एन, यहां आ जाएगा आपका एन, ये लिख दो आप लोग इन, ठीक है, यहां आ जाएगा आपका सीएल, यहां आ जाएगा आपका सीएल, ठीक है, और ये
एन और ये आ जाएगा आपका एन इन, ठीक है, और चार्ज आ जाएगा आपका प्लस। तो ये कौन सा फॉर्म है? ट्रांस आइसोमर सही, क्योंकि सीएल सीएल एक दूसरे से 180 डिग्री पर है। तो सिस और ट्रांसफॉर्म में हम ऐसे इनको रखते हैं, ठीक है। इस प्रकार से मैंने आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पूरा का पूरा यहां पर कंप्लीट करवा दिया है। ऑक्टाहेड्रल में भी करवा दिया है, टेट्राहेड्रल में भी करवा दिया है। टेट्राहेड्रल में तो खैर बनता ही नहीं, लेकिन बता दिया आपको। इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में भी मैंने आपको बता दिया, मोनोडेंटेट एज वेल एज बाइडेंटेट लिगेंड में, जितना आपके सिलेबस में थोड़ा बहुत थोड़ा ऊपर ही हुआ है, नीचे तो कभी नहीं करवाता हूं मैं सिलेबस में, क्योंकि किताब में जितना लिखा है वो तो करवाना ही करवाना है, उसके अलावा कुछ समझाने की जो एक्स्ट्रा बातें होती है वो तो समझानी होती है, ठीक है। कम करवाएंगे तो कभी कभी ऐसा होता है कोई वही वाला टॉपिक आ जाए जो आपने पढ़ाई नहीं है, तो वहां पे दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पढ़ते हो। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ? ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, प्रकाशिक समावयवता। तो इस लेक्चर में इतना ही है, ठीक है। Thank you.